एरिया था, CO CH3 होल 4 C, CO CH3 होल 4 C। पर्यंत पर्यंत? मैं अरे देख बताऊं रुक जा अभी तू। और कोई? सर, मुकुल मुकुल रुक जा अभी। कोई और बच्चा 11th में से? सर विधि, सर हाँ विधि बोलो। हाँ मीथेन 1.1.1 टेट्रा इथ ऑन। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। सर ये मुकुल, टर्मिनेटिंग थोड़ी है। मुकुल बोल। मुकुल 3,3,20,1-oxo-methyl-pentane-2,4-diene, सॉरी इथाइलो गलत है मिथाइल सर। इथाइल पर्यंत आप पर्यंत बोल। सर 3,3,20,1-keto-ethyl-pentane-2,4-diol ऑल सर, डायल डाई डायोन डायोन। ऑन ऑन। मुकुल तूने तो इन बोला था। देखो सर सर इन बोला था, गलती से बोल दिया होगा सर। हाँ ऑन आएगा ना, ऑन तो इसका नाम आएगा 3,3। ध्यान देंगे ये नेमिंग है 3,3, यहाँ पे 1,2, 1,2, 3,3 बेस दोनों सेम है। ये प्रीफिक्स में आएगा कीटो, ये वाला कीटो और ऊपर वाला कीटो दोनों प्रीफिक्स में आएंगे क्योंकि मेन चेन में नहीं आ पा रहे हैं। इसमें 5 की चेन लेंगे, टर्मिनेटिंग ग्रुप में ही हम ट्राई करते हैं कि सबको प्रेफरेंस मिल जाए, बाकी सब में लॉन्गेस्ट चेन जरूर लेते हैं। 3,3-1-oxo या 1-keto-ethyl, 1-oxo या 1-keto-ethyl, 5 कार्बन है तो पेंटेन आ जाएगा। 2 पे ऑन है और 5 पे ऑन है, और 4 पे, सॉरी 2 पे और 4 पे, 2,4-diol, 2,4, 3,3-1-oxo-ethyl, 3,3-1-oxo-ethyl, pentane 2,4-diol, pentane 2,4-diol, ये नाम आएगा इसका। अच्छा एक ना नाम बहुत ज्यादा मैं यूज करूंगा इसलिए लिख रहा हूँ, उसमें है नहीं कुछ खास। बस अगला जो नेम ग्रुप स्टार्ट करेंगे हम, देखते हैं इसके बाद। हाँ इसकी नेमिंग कौन सा आएगा? मुकुल मुकुल रुक गया अभी। मुकुल सबसे इजी है, कोई भी बच्चा 10th वाला बच्चा। टेंथ वाला कोई बच्चा? हाँ शौर्य बोल। बहुत अच्छे शौर्य। पेंटेन 2,4 डायोन। और अच्छे शौर्य, पेंटेन यही नाम है, ऊपर जो लिखा हुआ है यही नाम है इसका, पेंटेन 2,4-diol, 1,2,3,4,5, पेंटेन 2,4-diol, क्लियर? पेंटेन 2,4-diol, पेंटेन 2,4-diol। ये ना ये ग्रुप जो होता है ना, ध्यान देना इधर, मैंने क्यों लिखवाया ये ग्रुप जो होता है ना, इसको एसिटाइल बोलते हैं। 12th वाले वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एसिटाइल, और इसलिए इसका नाम एसिटाइल एसिटोन है। ये बहुत यूज होगा इसलिए लिखवाया मैंने ये एसिटाइल एसिटोन। और जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ लिया है उसको ध्यान होगा, लिगेंड ACAC, एसिटाइल एसिटोनेटो चार्ज -1, याद आया कुछ की नहीं है उसमें बता रखा है नहीं, एसिटाइल एसिटोनेटो तो उसमें ज्यादा यूज होगा इसलिए मैंने बता दिया ये एसिटाइल एसिटोन। क्या नाम है इसका? एसिटाइल एसिटोन, बहुत यूज होगा ये, ध्यान रखना चीज का। अच्छा नेक्स्ट नोट करना है एक बार पहले, नेक्स्ट नोट करेंगे। मैंने पहले तो मैं एस्टर्स करा रहा हूँ, एस्टर्स फिर एसिड्स, ताकि 10th वालों को काम खत्म हो जाए आज ही। नोट करेंगे एस्टर्स, एस्टर सबसे टफ फंक्शनल ग्रुप है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबसे टफ है ये एस्टर्स। सबसे पहले तो इसका फंक्शनल ग्रुप है COOR, ऐसे लिख दो, या फिर C(OOR) ऐसे लिख दो, या फिर CO2R ऐसे लिख दो, बात एक ही है।
तीनों में बात एक ही है, दिस इज एस्टर, फंक्शन ऑफ एस्टर है, सफिक्स है इसका ओ एट, सफिक्स है इसका ओ ए टी ई, सफिक्स है इसका ओ ए टी ई, ओ एट, सफिक्स ओ एट, और प्रीफिक्स इसका आएगा, प्रीफिक्स इसको बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, तो इसका नाम आएगा कार्ब एल्कोक्सी, कार्ब एल्कोक्सी या फिर एल्कोक्सी कार्बोनिल, कार्ब एल्कोक्सी या एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर इस तरीके से, सही ना। अच्छा अब इसकी प्रीफिक्स बता दिया, सफिक्स बता दिया, एंडिंग ओएट से होगी, फंक्शन ऑफ पीए, ध्यान रखना। अब नेमिंग करेंगे इसकी, नेमिंग ये ध्यान रखना, टेबल जो मैंने बोली बनाने के लिए उस टेबल में ऐड करते रहना सब, फर्स्ट नेमिंग, इसमें नेमिंग जो करते हैं पहले इस आर की नेमिंग करेंगे, फिर पीछे वाली चेन के आगे ओएट लगा देंगे, पहले इस आर की नेमिंग करेंगे फिर पीछे वाली जो भी चेन है, मान लो चार कार्बन वाली चेन है, ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन ओएट लगा देंगे, इसलिए ध्यान देंगे एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एस थ्री, ये है नेमिंग, जैसे इसकी नेमिंग करनी है, दिस इज एस्टर, एस्टर एस्टर जिनकी फ्रूटी स्मेल होती है, इनकी स्मेल होती है फ्रूटी, फ्रूटी स्मेल होती है इनकी, सर मुकुल एच मुकुल रुक जाए, और कोई, मैंने हिंट दे दिया कैसे नेमिंग करनी है, पहले इस आर पार्ट की नेमिंग होगी, फिर जितने भी कार्बन है उसका लिख करके, जैसे पांच कार्बन है तो पेंटेन लिख करके ओ एट लगा देंगे, कोई भी बच्चा ट्राई करना इसको, चलो बिंदिया बोलो, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इसको बोलेंगे पहले, इधर है एक कार्बन, इधर कितने कार्बन है एक, तो मिथेनोएट आएगा, इथेनोएट नहीं आएगा, मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट, ये टेंथ जो इलेवंथ वाले बच्चे हैं क्या उन्होंने टेंथ में एस्टर्स पढ़ा हुआ है? नो सर, यस सर, यस सर, कोर्स में नहीं है तो हाँ एस्टर ना, एक्चुअली मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एक रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, फ्रूटी स्मेल वाली रिएक्शन पढ़ी थी ना टेंथ में, इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट, और कॉमन नेम ज्यादा यूज होगा मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल मिथेनोएट और मिथाइल फॉर्मेट, फ्रूटी स्मेल होती है इनकी, सही है। नेक्स्ट नोट करेंगे, ये नेमिंग समझ आ गई, मिथाइल फिर एक कार्बन है तो मिथेनोएट, एक कार्बन है तो क्या आएगा मिथेनोएट, और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए, मान लो ये स्ट्रक्चर बनाना है मेरे को, मिथाइल लिखा पहले, पहले ये बना देंगे हमेशा, अगर स्ट्रक्चर बनाना है नाम से स्ट्रक्चर बनाना है, मिथाइल बोला इसलिए यहाँ लगा देंगे सी एस थ्री, फिर मिथेन आ गया, मिथेन आ गया तो एक एच, क्योंकि एक एच एक सी ऑलरेडी है तो एच लगा देंगे सिर्फ, तो आ गया मिथाइल मिथेनोएट, स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे, इसकी नेमिंग क्या होगी, मुकुल मुकुल रुक जा, अभी टेंथ वाला कोई बच्चा, सर अर्नव बोलो, हाँ बोल अर्नव, सर अर्नव सर मिथाइल प्रोपेनोएट, नहीं नहीं अर्नव थोड़ा और सोच, पहले इसकी नेमिंग क्या होगी देख, फिर इधर देख, मैं बताऊं, हाँ कौन गर्व, यस सर, हाँ गर्व बोल सर, इथाइल इथेनोएट, हाँ बिल्कुल सही है, इथाइल दो कार्बन है, ये दो कार्बन है इधर तो इथाइल आ जाएगा, अब इधर दो कार्बन है तो इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, क्लियर, इथाइल इथेनोएट, और कॉमन नेम इसका इथाइल एसीटेट, ये तो याद करना है, एसिड मैंने तो बता दिया था कैसे कब आता है, इथाइल एसीटेट कॉमन नेम है ये। अब स्ट्रक्चर बनाना है अगर इसका,
आईयूपीएसी ने नाम दे रखा है और तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहले ये बना देंगे। अब कितने कार्बन है, पहले क्या है इथाइल, पहले क्या है इथाइल, तो C2H5 लगा दिया, दो कार्बन। फिर है इथेन, इथेन है तो एक कार्बन ऑलरेडी लगा हुआ है, एक कार्बन और लगा देंगे, एक कार्बन और लगा देंगे, तो इधर कितने एच आ जाएंगे, तीन। ये बन गया इथाइल इथेनोएट, समझ आई बात कि नहीं है? दिस इज इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। नेक्स्ट कॉमन नेम से भी सर स्ट्रक्चर बनाने को कॉमन नेम से भी आता है? हाँ, उससे भी आता है, वो थोड़ा बाद में प्रैक्टिस करेंगे, अभी उससे भी आता नाम। नेक्स्ट ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग, ये याद था, मैंने बताया नहीं पीछे, टर्मिनेटिंग है ये। नेक्स्ट इसकी नेमिंग, सर मुकुल, मुकुल के अलावा कोई? प्रथम बोल, प्रथम मिथाइल प्रोपोनोइट, नहीं गलत है, बोल बोल, मिथाइल प्रोप टू इन वनोइट, हाँ परफेक्ट, बिल्कुल ये सही नाम है, बिल्कुल। मिथाइल आएगा पहले, मिथाइल, फिर वन टू थ्री, तीन कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा, टू पे ईन आ जाएगा, ईन का ई नहीं आएगा क्योंकि आगे ओ आएगा, वन ओ एट, मिथाइल प्रोप टू ईन वन ओ एट। कॉमन नेम कोई बता सकता है इसका क्या होगा? सर इथाइल एक्राइलेट, इथाइल की मिथाइल, इथाइल एक्राइलेट, मिथाइल आएगा ना, मिथाइल एक्राइलेट, एक्राइल ग्रुप आ गया पीछे। कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज होते हैं, मिथाइल एक्राइलेट, क्लियर, मिथाइल एक्राइलेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट नोट करेंगे, इसकी नेमिंग, सर मुकुल, और कोई मुकुल के अलावा? शौर्य, बोल शौर्य। सर इथाइल हेक्सेन टू ईन वन ओ एट, नहीं 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 सर, बताऊं और कोई? सर अर्नव, और किसी को? अर्नव बोल। हाँ सर इथेन नोनेट टू इन वन ओ एट, नहीं नहीं ये फिनाइल ग्रुप है अर्नव, फिनाइल ग्रुप आ गया, बेंजीन के, बेंजीन है ना ये, ये स्ट्रक्चर ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, बात एक ही है, ध्यान देना इधर, C6H5 है ये, C6H13 नहीं है। अच्छा, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH, ये दोनों सेम है बिल्कुल, ध्यान देना इधर। मुकुल बोल। इथाइल फोर फिनाइल प्रोप टू इन वन ओ एट, गलत है। तुषार और कोई? हाँ तुषार, थ्री फिनाइल बोल तुषार। इथाइल थ्री फिनाइल प्रोप टू इन वन ओ एट, बिल्कुल सही तुषार, बहुत अच्छे। इथाइल वन टू थ्री, थ्री फिनाइल, इथाइल थ्री फिनाइल, थ्री पे फिनाइल ग्रुप है, थ्री पे कौन सा ग्रुप है? फिनाइल, फिर प्रोप टू इन वन ओ एट, इथाइल थ्री फिनाइल
प्रॉप टू इन 108, कोई बताएगा इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल सिनामेट। हाँ सही है, ये हर्षिल ने बोला, और किसने बोला दूसरा? अर्पित। इथाइल और ये ग्रुप है सिनामाइल वाला ग्रुप, सिनामेट ये वाला ग्रुप, जैसे एक्राइल था, क्रोटाइल था, ऐसे ही भी होता है, इथाइल सिनामेट। इथाइल सिनामेट, क्लियर? इथाइल सिनामेट ये ग्रुप है, तो ये याद रखेंगे, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। CH2Cl है लास्ट में। सर मुकुल, मुकुल और कोई इसके अलावा? सर कशिश बोलो। कशिश क्लोरोमिथाइल 3-5-N2O8। कशिश इसमें कहीं पे भी वर्ड रूट आया तुम्हारा? अनन्या बोलो। सर देखो एक बार अनन्या बोलने दो। अनन्या क्लोरोमिथाइल ग्रुप 1-3-N108। नहीं ऋतिका बोलो। सर बोलूं मैं? क्लोरोमिथाइल 10, 1 क्लोरोमिथाइल 10, 4 इन 2 आइन 108। ये परफेक्ट है बिल्कुल। पहले आ जाएगा क्लोरोमिथाइल, पहले क्या आ जाएगा? क्लोरोमिथाइल ये वाला। CH2Cl को डायरेक्ट बोल दो, 1 क्लोरोमिथाइल बोल दो, या क्लोरोमिथाइल एक ही बात है? क्लोरोमिथाइल उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5। तो अब उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंट आ जाएगा पहले, पेंट, और 2 पे आ रहा है आइन, 4 पे आ रहा है इन, तो पेंट 4 इन, पेंट 4 इन, और 2 पे आइन, लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा, और 1 पे ओ एट, पेंट 4 इन 2 आइन 1 ओ एट। नहीं आएगा, क्योंकि आगे वाई आ गया ना, वोवल आ जाए, वाई आ जाए तो पिछला वोवल हट जाता है। सर उसमें मिथाइलिडीन नहीं आएगा? मिथाइलिडीन क्यों? ये तो चेन में आया ना पूरा। ओके सर। नहीं ना, चेन में आया तो नहीं आएगा मिथाइलिडीन। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी पहले किसको? डबल बॉन्ड को। आवाज नहीं आ रही क्लियर तुम्हारी, बहुत कट के आ रही आवाज। चलो नेक्स्ट नोट करना आगे। अभी इसमें ना टफ वाली नेमिंग, वो टेंथ वाले बच्चे नहीं होते तो मैं इसमें टफ वाली नेमिंग काफी और अच्छे वाली नेमिंग है वो भी मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, बाद में कराऊंगा। एक बार ये हट जाएंगे बच्चे तो मैं करवा दूंगा तुमको। नोट करना आगे, इसको सोचना जरो। CH2 COO CH3।
इसकी नेमिंग पर्यान पर्यान देख ढूंढूंगा बस नीलेश हाँ नीलेश नीलेश बोल एक बार नीलेश बोल ट्राई मिथाइल प्रोपीन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सी CYLATE तूने सही बोला एक बार दोबारा बोल जरा ट्राई मिथाइल प्रोपीन 1 2 3 ट्राई TRICARBOXCYLATE तू एक बार मेरी बात सुन प्रोपीन नीलेश तू प्रोपीन क्यों बोल रहा है इसमें लास्ट में प्रोपीन थोड़ी आएगा प्रोपेन आएगा ना प्रोपेन प्रोपीन क्यों बोल रहा है प्रोपीन सर मैं बोलूं मुकुल मुकुल बोल ट्राई मिथाइल प्रोपीन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट हां सही है अब थोड़ी ध्यान देंगे इधर थोड़ी जो गलती की तूने 1 2 3 बोला तूने इसमें यस सर बोला है 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट हाँ सही है ये मिथाइल और ये मिथाइल पहले डायरेक्ट लिख देंगे ट्राई मिथाइल इनकी पोजीशन लास्ट में आती है अगर तुम स्टार्टिंग में भी लिख दोगे 1 2 3 ट्राई मिथाइल तो भी कोई गलत नहीं है लेकिन इनकी पोजीशन लास्ट में आती है तीनों को प्रेफरेंस देनी है इसलिए 1 इसको 2 इसको 3 इसको अगर मैं ये लेता ध्यान देना अगर मैं ये लेता 1 2 3 4 5 तो इसको प्रेफरेंस मिल जाती इसको मिल जाती लेकिन ये काउंट ना होता इसलिए 1 2 3 वाली चेन ली है इसलिए सिर्फ चेन लिया 1 2 3 वाली सही ना इसलिए चेन क्या ली है 1 2 3 वाली तो ध्यान देंगे इसमें ट्राई मिथाइल पहले क्या गया ट्राई मिथाइल अब तीन कार्बन है तो प्रोपेन वन पे है ओएट कार्बोक्सिलेट सॉरी क्योंकि किसी काउंट नहीं हुआ टू पे है कार्बोक्सिलेट थ्री पे कार्बोक्सिलेट है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट ट्राई मिथाइल ये 1 2 3 जो बोला ना ये 1 2 3 जो बोला है ये किसकी पोजीशन है ये तीनों मिथाइल की पोजीशन भी है क्योंकि जहां पे ओएट आता है वहीं पे तो मिथाइल आएंगे ट्राई मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट ट्राई मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट ये इसकी नेमिंग आ जाएगी सही ना ये इसकी नेमिंग आ जाएगी एक ये खुद ट्राई करेंगे फिर आगे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर रहा हूं टेंथ वालों को जो स्टार्टिंग है तीन चार नाम भी समझ दो तीन नाम भी समझ आ गए हैं तो सफिशिएंट है उतना ही आएगा तुम टेंथ वाले बच्चों को और उतना भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है जो कह रहे हैं जो इलेवंथ वाले बच्चे कह रहे हैं उन्होंने ये भी नहीं पढ़ा है टेंथ में सर रंजना बोलो चलो रंजना बोलो तुम डाई मिथाइल थ्री पे वन कार्ब मिथॉक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5-DiOH बिल्कुल सही है बहुत अच्छे रंजना देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी पड़ेगी क्योंकि इसको प्रेफरेंस कभी नहीं मिलेगी इसको प्रेफरेंस कभी नहीं मिलेगी चाहे तुम तीन की चेन ले लो या पांच की ले लो तो इसे लॉन्गेस्ट चेन ही लेंगे 1 2 3 4 5
इलेवंथ वाले बच्चों में किसी का सही हुआ ये? सर मेरा आधा हो गया था मुकुल, मैं कर ही रहा था, मैं जीतने सही बोल रहा हूँ। चलो कुछ होता ध्यान देंगे। अब पहले आएगा डाइमिथाइल, क्योंकि वन पे आ गया कार्बोक्सी वाला ग्रुप और फाइव पे आया, इसलिए सिर्फ डाइमिथाइल बोलेंगे पहले। डाइमिथाइल क्लियर, डाइमिथाइल। फिर थ्री पे ध्यान देंगे, थ्री पे अब जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसको वन देंगे। वन पे आ रहा हमारा ये ग्रुप क्या है, कार्ब मिथॉक्सी या मिथॉक्सी कार्बोनिल, मैंने इसका प्रीफिक्स लिखवाया हुआ है तुम्हें। थ्री पे कार्ब मिथॉक्सी मिथाइल, या वन कार्बो मिथॉक्सी मिथाइल। थ्री पे ब्रैकेट में लिखोगे तो बेशक वन लिख दो तुम यहां पे, थ्री पे वन कार्ब मिथॉक्सी मिथाइल, थ्री पे वन कार्ब मिथॉक्सी मिथाइल या वन मिथॉक्सी कार्बोनिल मिथाइल, एक ही बात है। और फिर क्या आएगा, पांच कार्बन है तो पेंटेन, वन पे भी ओ एट है, फाइव पे भी ओ एट है, तो वन फाइव, वन फाइव डाइओएट, वन फाइव डाइओएट, तो ये इसकी नेमिंग आ जाएगी। एस्टर्स में मैं और कराऊंगा बाद में, अभी इतना कर लेंगे। अब वो नया टॉपिक स्टार्ट करना है, लास्ट जो इलेवंथ टेंथ वाले बच्चों के लिए लास्ट चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान सुनेंगे बिल्कुल। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा COOH एस्टर्स में, और ये दिक्कत आती है एस्टर्स में और एसिड में, ये COOH है ना, इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो कुछ बच्चे करते हैं कि ये इसको कर दिया कीटोन ग्रुप, इसको कर दिया कीटोन ग्रुप और इसको कर दिया एल्कोहल ग्रुप, दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। हमेशा कंबाइन करके देखना, ये गलती मत करना कभी पेपर में, हमेशा कंबाइन करके देखना ये एसिड ग्रुप होता है। ये कौन सा ग्रुप है, एसिड ग्रुप, तो इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं CO2H। तो ये हमारा एसिड ग्रुप है, क्लियर, दिस इज एसिडिक ग्रुप। सफिक्स है इसका ऑइक एसिड, सफिक्स ऑइक एसिड, प्रीफिक्स कार्बोक्सी, प्रीफिक्स कार्बोक्सी है, सफिक्स ऑइक एसिड है और ये टर्मिनेटिंग होता है, और ये टर्मिनेटिंग होता है, सफिक्स प्रीफिक्स फंक्शन ग्रुप बता दिया है और ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट नोट करेंगे इसके अंदर। अब फर्स्ट स्टार्टिंग वाले टेंथ वाले बच्चे ट्राई करेंगे HCOOH, सबसे सिंपलेस्ट। सर मुस्कान, बोलो मुस्कान, मुस्कान बोलो। मिथेनॉइक एसिड, हाँ एक कार्बन है तो मिथेन तो आना ही है, ऑइक एसिड लगाएंगे, मिथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड। सर फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन, मिथेनॉइक एसिड और कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड मिथेनॉइक एसिड फॉर्मिक एसिड। मुस्कान तुम 11th वाला बैच भी अटेंड करते हो ना सारा? यस सर। हाँ सही है, लेकिन मेहनत थोड़ी ज्यादा करो, अच्छा कर लोगे बहुत। मिथेनॉइक एसिड फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये एसिड जो है रेड आंट्स जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है, दिस एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आंट्स, लाल वाली जो चींटियां होती है उनके अंदर ये वाला एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट CH3COOH, टेंथ वाले बच्चे क्या क्या नाम आएगा इसका? एसिटिक, टेंथ वाले बच्चे नाम बोलेंगे सर, एसिटिक, आवाज नहीं आ रही क्लियर, कौन बोल रहा है? सर अर्णव, हाँ अर्णव बोल, सही, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड और कॉमन नेम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है एसिटिक एसिड,
सर ग्लेशियर एसिडिक एसिड भी तो होता है ना। हाँ ग्लेशियर एसिडिक एसिड ग्लेशियर की तरह दिखता है ये, तो ग्लेशियर एसिडिक एसिड भी कहते हैं और विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है। सिरका जो होता है ना, सिरका सुना होगा तुमने, विनेगर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट COOH, COOH ये ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड सर अर्नव। हाँ अर्नव सर। 1.2 डाइमिथेनोइक एसिड। नहीं अर्नव गलत हो गया। बस ये डाइओइक की सुनाई दी है, बाकी आवाज नहीं आई। हाँ ये सही है, ये सही है। इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। इथेन 1,2 डाइओइक एसिड ऑक्सैलिक एसिड है। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं H2C2O4। और ज्यादातर ये एग्जिस्ट कैसे करता है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इट्स डाइहाइड्रेट फॉर्म H2C2O4.2H2O। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऐसे H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड। जो मैंने पढ़ाया हुआ तुम्हें ऑक्सिलेट आयंस, सबको पढ़ाया हुआ है टेंथ वाले बच्चों को भी, ये ऑक्सिलेट आयंस होते हैं। इथेन 1,2 डाइओइक एसिड ऑक्सैलिक एसिड। ये टोमेटोज में प्रेजेंट होता है एसिड, एसिड का सोर टेस्ट होता है, इट इज प्रेजेंट इन टोमेटोज। नेक्स्ट ये था ऑक्सैलिक एसिड इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। क्लियर, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट नोट करेंगे इसका क्या नाम आएगा सर मुकुल। बोल मुकुल। प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। 1,2,3 प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। 1,3 डाइओइक एसिड प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। इसको मेलोनिक एसिड कहते हैं, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। कॉमन नेम नोट कर लेंगे सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड आईयूपीएसी क्या होगा इसका, नाम बोलेंगे नाम बोला करो पहले अपना सर मुकुल। समय बोल, प्रथम बोल, प्रथम ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। इसकी नेमिंग सर पेंट 1,5 डाइओइक एसिड। नहीं गलत हो गया सर मुकुल। नहीं इसलिए कह रहा हूँ रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करो, गलत बोल रहे हो। बोल मुकुल। प्रोपेन 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड।
नहीं बिल्कुल गलत है। अच्छा ये नहीं, मुकुल ज्यादा नहीं सोच रहा है, सिंपल सोचा कर। सॉरी प्रोपेन 13 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 13 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अभी भी गलत है, अभी भी गलत है, अभी गलत है। डायोइक एसिड पेंटेन 1 किसने बोला है? पेन 13 नाम पहले नाम बोला करो, पहले क्या आएगा नाम इसका सर? प्रथम, अरे प्रथम रहने दे, बोल दो एक बार। देखो सर ये इसमें आएगा पेंटेन 15 डायोइक एसिड, यही तो है। देखो पर इसका डाल रहा हूं मैं, ये लग गया, यही तो लगा हुआ है SSCH2। तो मैंने यही तो बोला था, यही चीज तो है, ये यही तो बोला था, यही बोला था तुमने, पेंट बोला है अनन्य, पेंट बोला, पेंट पेंटेन आएगा, पेंटेन। तो मैंने पूरा पेंटेन बोला, अनन्य पेंटेन आएगा, पेंटेन। तुमने पेंट 15 डायोइक एसिड बोला ना, मैंने पूरा बोला, चलो सही है, बोला 1 2। एक बार चेक करना रिकॉर्डिंग में, मुझे पेंट सुनाई दिया, पेंट 15 डायोइक एसिड, चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यही तो है। तो पेंटेन 15 डायोइक एसिड, समझ गया कि नहीं है? क्या होगा? पेंटेन 15 डायोइक एसिड, ग्लूटारिक एसिड नाम है इसका, ग्लूटारिक। ऐसे ही अब आगे थोड़ा फास्ट नोट करना है, अगर यहाँ 4 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा तो क्या नाम आ जाएगा इसका? उसके बाद अगर 5 आ जाइए तो सुबैरिक एसिड कहेंगे उसको, सुबैरिक। और अगर 7 आ जाए तो नोनेन 19 डायोइक एसिड, उसको कहेंगे एजिलिक एसिड, एजिलिक एसिड। और अगर होल 8 आ जाए तो 12th वाले बच्चे बताएंगे कहाँ यूज होता है वो, अगर 8 आ जाता है, होल 8 आ जाए तो 6 in 1 9 1 10 डायोइक एसिड, और उसका नाम है